दिग्रस शहर और परिसर में आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के साथ ही दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े अपनी अनोखी कारगुजारी से इन दिनों चर्चा में हैं। समाज जागृति का उनका अनोखा संदेश शहरवासियों के नानाकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है ये संदेश और जनता से थानेदार सेवानंद वानखेड़े ने क्या आह्वान किया है, आइए देखते हैं दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की इस खास रिपोर्ट में। आमतौर पर किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी का पहला कर्तव्य अपराध पर नकेल कसना और शहर में या अपने कर्तव्य क्षेत्र में शांति बनाए रखने का होता है, लेकिन कुछ अधिकारी बड़े विरले होते हैं। वे अपराध की गतिविधियों पर नकेल कसने के साथ ही अपने सामाजिक दायित्व की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। इन्हीं में से एक है दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े, जिनका पुलिस सेवा का करियर न सिर्फ बेबाक है बल्कि युवाओं के लिए, खास तौर से स्पर्धा परीक्षा के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान के लिए उनके द्वारा चलाई गई अनोखी योजनाएं काबिले तारीफ है। इसके अलावा उनका लोगों को कानून की बुनियादी जानकारी प्रदान कर समाज जागृति का अंदाज बेहद अनूठा है। हाल ही में पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े ने एक फ्लेक्स जारी किया है, जिसे फिलहाल पुलिस थाने की इमारत पर और कलगांव पुलिस चौकी पर देखा जा सकता है। इंसानी खोपड़ियों का यह चित्र आमतौर पर समाज में अथवा सोशल मीडिया पर फैल रहे जातिवाद, धार्मिक विवाद से खुद को बचाने की अपील कर रहा है। मरने के बाद न कोई धर्म मायने रखता है, न कोई जात, और न ही अमीरी गरीबी का लेबल काम आता है। इसीलिए जीते जी समाज और समाज बंधुओं को आहत करने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों से बचने का संदेश ये अनोखा फ्लेक्स दे रहा है। इस बारे में NBCN न्यूज चैनल से बात करते हुए पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े ने दिलचस्प जानकारी देते हुए मौलिक संदेश भी दिया है, आइए सुनते हैं। आज समाज मन ही अतिशय संवेदनशील झालेला है। व्हाट्सअप युनिवर्सिटी किंवा सोशल मीडियावर अनेक जातीयवादी ग्रुप, अनेक जातीयवादी प्रकारचे पोस्ट टाकून समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा समाजकंटक प्रयत्न करतायत आणि आजची तरुण पिढी याला कुठं ना कुठं बळी जात आहे। निसर्गाचा नियम, लॉ ऑफ नेचर हा सर्वांवर समान काम करतो। कोणीही अन्न ग्रहण केलं तर त्याप्रमाणेच प्रक्रिया होते। भारतीय माणसानं अन्न ग्रहण केलं तरी तीच प्रक्रिया होते। अमेरिकन माणसानं अन्न ग्रहण केलं ती प्रक्रिया होते। सूर्य सर्वांनाच प्रकाश देतो। याच उक्तीप्रमाणे कोणी त्याला अल्लाचा नियम म्हणते, कोणी ईश्वराचा नियम म्हणतो, कोणी निर्मिकाचा नियम म्हणतो, कोणी गटगटवासी म्हणतो, आणि निसर्गाचा नियम सर्वांवर सारखा आहे। त्याच्यामध्ये होणारी सर्व प्रक्रिया सारखी आहे। हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हे लोकांपर्यंत समजावं, सुटसुटीत भाषेत समजावं या उद्देशाने प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये हड्डी आहे, मांस आहे, पेशाब आहे, पखाना आहे, हेच घटक आहेत। म्हणून ते स्कल लावले, म्हणून त्याला नाव दिले आणि त्याला ओळखा म्हणून खाली एक नारा पण लिहिला की जातीयवाद धार्मिकवादाला नका देऊ थारा, माणूस म्हणून जगा, हाच नवा नारा। हा एक प्रामाणिक उद्देश आहे आणि पोलीस स्टेशन दिग्रसच्या हद्दीमध्ये असा कोणीही जातीयवादी कंटक, समाजकंटक असेल तो समाज माध्यमावर, मीडियावर किंवा इतरही माध्यमाने जातीयवाद पसरवत असेल ते आम्हाला सांगावं, आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू आणि या जातीयवादाला कोणी बळी पडू नये हा एक यामधून संदेश देण्यात येत आहे। म्हणून आपण सर्व समान आहो, मनुष्य आहो, हेच या फ्लेक्समधून संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे। हम सब जानते हैं कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की नौकरियों का और मानसिक तनाव का सीधा संबंध होता है। जितना जोखिम और तनाव इस क्षेत्र में है उतना अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होता। पुलिस विभाग भी जनता की सुरक्षितता को सुनिश्चित करता है। ऐसे में इस क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज हितैषी मुद्दों के प्रति आत्मीयता रखना, उसके लिए सक्रिय बने रहना आसान काम नहीं होता। पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े के कक्ष में उनकी मेज पर लिखा है कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। यह मौलिक विचार उनके व्यक्तित्व पर सटीक रूप से इसलिए चरितार्थ हो रहा है क्योंकि वे अपने कार्य को ही अपना धर्म समझकर सतर्कता और जिम्मेदारी से उसका निर्वहन कर समाज के प्रति अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं।
जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।